सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और वेलकम टू आवर लेटेस्ट वीडियो, जिसमें कि आज भाई आपके सामने है वन ऑफ द मोस्ट वेटेड कार फ्रॉम मारुति, जो कि है भाई आपका जिम्नी। ठीक है, जिम्नी का बड़ा इंतजार हुआ, बड़ा भाई चिल्लम चिल्ली मचा रखी थी कि जिम्नी आ रही है, ऐसी आ रही है, वैसी आ रही है। तो जैसी भी आ रही है, आज भाई है अपने सामने कि किस तरीके का परफॉर्मेंस, किस तरीके के फीचर्स, क्या बॉडी लैंग्वेज है, कैसी चीज़ें हैं, थार को कितनी टक्कर देती है, कितनी नहीं देती, सारी बात करने वाले भाई इस वीडियो में। प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बता दूंगा, वेरिएंट्स वगैरह जितने भी है ना, सारी चीज़ें जो भी है भाई इस वीडियो में कंप्लीट कवर होने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले भाई की से स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरीके की मिलती है। की वही टिपिकल है जैसे कि आपको मारुति की नेक्सा वगैरह देखने के लिए मिलती है, एरिना में टॉप मॉडल्स में देखने के लिए मिलती है, सेम वही लॉक अनलॉक के बटन्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लॉक अनलॉक होने पर कुछ इस तरीके की आवाज़ें भी इसकी निकलती है, और भाई फ्रंट से जो लुक है ना वो कुछ इस तरीके का। रियल लाइफ में आप देखोगे तो भाई देखने में थोड़ा थोड़ा हमर का जो फील था ना, ग्रिल वगैरह जो इसकी, थोड़ा थोड़ा भाई हमर वाला फील देने वाली है। मतलब साइज़ के डिफरेंस में तो नहीं देगी, लेकिन हाँ जो भाई लुक वाइज है ना वो जरूर देने वाली। काफ़ी रगेड टाइप जो लुक होता है ना वो दिया हुआ है, जैसा कि थार वगैरह में आप देखते थे आफ्टर मार्केट जाके, कुछ इसी टाइप के पतले पतले से फ्रंट बम्पर्स वगैरह हैं जो लोहे हुए वाले हैं ना, उस तरीके के लगाए जाते थे। तो इसमें भाई कंपनी खुद ऐसा ही करके दे रही है, इस कार को देख के ऐसा नहीं लगने वाला कि ये भाई मतलब इंडियन की कार है, ऐसा लगे जैसे सीबी यूनिट्स होते हैं ना, इम्पोर्ट करवाई जाती है बाहर। भाई सही में देखने में तो ऐसे पिक्चर्स वगैरह में लगता था कि हाँ ठीक है, ऐसी आएगी वैसी आएगी। हाँ छोटी है, डायमेंशन वाइज अगर बात करें तो थार से तो ऑफकोर्स छोटी है, लेकिन जो भाई देखने में लुक्स वगैरह निकल के आते हैं वो बहुत ज़्यादा सही आते हैं इसमें। ठीक है, और बाकी देखो अब वेरियंट्स वगैरह की अगर बात करें तो इसमें भाई दो ही वेरियंट्स आएंगे, जेटा और अल्फा। ठीक है, दो मॉडल्स आएंगे सिर्फ, और बेस और टॉप। ये जो अभी आपके सामने खड़ा है ये है आपका टॉप मॉडल, इसकी कीमत क्या है, कौन सा वेरियंट है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले भाई फ्रंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं भाई LED प्रोजेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मिल जाते हैं इंडिकेटर्स, एक बार इनको ऑन कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ किस तरीके का थ्रो लाइटिंग वगैरह सेटअप देखने के लिए मिलता है। भाई यहाँ पे मिलता है फुल LED प्रोजेक्शन यूनिट, यहाँ पे मिल जाते हैं आपके छोटे छोटे बल्ब। ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है प्रोजेक्टर वाला फुल यूनिट, जो आप हाई बीम लो बीम दोनों एक ही काम करेंगे। भाई अगर यहाँ पे ऐसे DRL वाला कुछ सीन होता ना बहुत मस्त लगता। नीचे भाई ये चीज़ देखो, यहाँ पे मिल रहा है वॉशर, जो कि भाई 40-50 लाख की गाड़ी में आता ना उसमें यो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, चूँकि वॉशर मिल रहा है। नीचे फॉग लैंप्स वगैरह जो है वो हैलोजन मिलते हैं, वहाँ पे LED वाला कोई भी सीन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फ्रंट से कुछ ऐसा लगता है भाई, ये जो ग्रिल है ये बहुत ही ज़्यादा रगेड फील कराती है इसको, बीच में सुजुकी के लोगो और ये सब ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह के सेटअप, सारे सारे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर की बात करें तो यहाँ पे वाइपर्स मिल जाते हैं, ये आपको मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलेंगे। रेन सेंसिटिव वाइपर्स वाले कोई भी फंक्शन इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी भाई एक ओवरऑल लुक की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का लुक निकल के आता है आपकी मारुति जिम्नी का। और यहाँ पे साइड से बात करें अगर तो यहाँ पे भाई आपको मिल जाते हैं 15 inches के, ठीक है, 15 inches के अलॉय व्हील्स, जो कि भाई मेरे हिसाब से कम है इसमें, कम से कम नहीं तो भाई 16 इंच के तो होने ही चाहिए। बाकी फ्रंट में डिस्क्रेस आते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन नो डाउट अच्छा है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन और एक SUV के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मस्त दिया हुआ है। ठीक है, इस साइड से सारी बात हो गई, आप एक वॉक अराउंड देते हैं पहले इसको। अगर इस साइड से बात करें एक ओवरव्यू भी तो कुछ इस तरीके का निकल के आता है मारुति जिम्नी का। सिंगल फ्रेम में देख लो एक बार, डायमेंशन वाइज छोटी है, जो भी डिटेल्स वगैरह होगी डायमेंशन की वो आपकी डिस्प्ले में मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, और एक मस्त बात होता तो ये देखो यहाँ पर मिल जाते हैं दोनों ही तरफ रिक्वेस्ट सेंसर और कीलेस, मतलब की का भी जो नॉब यहाँ पे है ना, की का भी नॉब जो वो भी मिल जाता है, और कीलेस के लिए बटन भी मिल जाते हैं। दोनों चीज़ें, ये काम ना करे तो ये कर सकते हो, ये काम ना करे तो ये कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में हो गई। यहाँ पे मिल जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपकी RBMs जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर कलर्स वगैरह की बात करें तो इसमें 7 different कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपका जो इसमें आता है ना एक थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में, वो भाई कलर बहुत सही लगता है मुझे, उसका लुक बहुत सही है। फिलहाल ये व्हाइट कलर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें व्हाइट कलर को मिला के 7 color का ऑप्शन आपको और देखने के लिए मिलेगा। बाकी भाई यहाँ से देखो ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm की, भाई बहुत ही ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस है। ऑफ रोडिंग के लिए तो फुल केपेबल है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मारुति दे चाहे ना दे। नीचे से भाई ग्राउंड क्लियरेंस देखो एक बार, 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, बहुत तगड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है। कहीं पर भी लेके जाओ 4x4 ऑल ग्रिप ये है इसमें। ठीक है, अंदर से भी दिखाऊंगा अभी सारी बात। अब पीछे से देखो एक बार, ये देखो भाई लगता नहीं है कैसे जैसे कोई बाहर की कार हो, किसी मतलब अदर कंट्री की कार हो, अदर ब्रांड की कार हो, हाल फिलहाल में नई नई लॉन्च करी गई है इंडिया में। भाई मुझे तो ऐसा लगता है, बट आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। और एक यूनिक चीज़ ये देखो भाई, पीछे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन आपका दिया हुआ है लॉक अनलॉक करने के लिए, टेल गेट रिलीज वगैरह करने के लिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले इधर की बात करें तो यहाँ पे सेम वही मिल जाता है टायर साइज, जो कि आपको मिलता है 15 inches का। बाकी फिलहाल यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर दिया हुआ है, वाइपर, वॉशर डीफॉगर वगैरह, हाई माउंट स्टॉप लैंप, सारी चीज़ें भाई यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और मस्त जिम्नी का जो ये है ना फॉन्ट, ये बड़ा प्यारा लगता है भाई देखने में। इस तरफ जिम्नी और इस तरफ मिल जाता है आपका ऑल ग्रिप। यहाँ पे ये देखो,
ये अलग से कवरिंग लगाई हुई है जो कि कार को थोड़ा सा भाई और ऑफ रोडिंग वाला और लुक्स के मामले में ना इन्हेंस करती हैं चीज़ें। यहाँ पे बात करें यहाँ पे मिल जाती है आपकी टेल लैंप सेटअप, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और नीचे मिल जाता है कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ठीक है। चार सेंसर्स दिए हुए हैं ऑफ रोडिंग के हिसाब से, भी जगह नहीं थी तो यहीं पर एडजस्ट कर दिए। लेकिन भाई देखो पीछे से देखो आप एक बार क्या मस्त ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा लगा, बाकी चीज़ बताना तो बताना आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट सेक्शन में भाई ये बताना ग्राउंड क्लियरेंस कैसा लगा। कंपैरेटिव थार के मामले में बात करें तो डायमेंशन वाइज तो छोटी है, बाकी भाई अगर डोर की बात करें तो भाई डोर काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक स्टर्स दिए हुए हैं जिससे ये अपने आप बंद और मतलब बंद ना हो जाए जैसे कोई सामान वामान आप रख रहे हो। बाकी यहाँ पे बूट स्पेस, बूट स्पेस जो भी होगी आपके डिस्प्ले मेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसको आप उठाओगे तो यहाँ पे टूल किट्स वगैरह आपकी अवेलेबल है, फर्स्ट एड किट भी है, यहाँ पे 12 वी का पावर सॉकेट है, यहाँ पे मिल जाती है आपके लिए लाइट्स, और यहाँ पे कोई रियर पासेंजर ट्रे वाला सीन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। 50-50 फोल्ड कर सकते हो अपनी सीट्स को, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, इसको मैं दिखाऊंगा, इस तरीके से फोल्ड की जा सकती है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से फोल्ड हो सकती है वापस इसको लाने के लिए, दिस इज़ हाउ यू कैन फिक्स, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। ये हो गया भाई आपका पीछे का सारा सारा सीन कंप्लीट। अभी इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं भाई आगे। साइड से लुक्स की बात करें तो इस तरीके का कंप्लीट लुक निकल के आता है मारुति जिम्नी का। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और साइड से भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल टैंक जो कि है आपको भाई राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यूजुअली होता है लेकिन यहाँ पे मिलता है राइट साइड में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर्स की मिलती है, फ्यूल लीड भाई आपको अंदर से खुलेगा बाहर से नहीं खुलेगा, ठीक है। ये हो गया भाई देखो साइड वाला प्रोफाइल बहुत सारे, आई होप कि मेरे यार वीडियो में कॉपीराइट क्लेम ना है क्योंकि गाना चल रहा है भाई, तो भाई कर दिए गाने वाने बंद फिलहाल देखो। और एंटीना की बात करें तो ये देखो भाई साइड में छोटा सा एंटीना दिया, जो रिमोट वाली कार में नहीं आता वैसा एंटीना दिया, पर मस्त लग रहा है नो डाउट। शार्क फिन देते तो इसमें मज़ा नहीं आता, इसलिए ऑफ रोडिंग के हिसाब से भाई यही वाले नॉर्मल एंटीना जो है ना यही अच्छे लगते हैं इसमें। ये हो गए भाई साइड की सारी सारी बातचीत, ठीक है। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और इसमें जो भी एंगल्स वगैरह हैं जितने भी वो सारे आपके डिस्प्ले में मेंशन कोशिश करूँगा कर दूँगा, ठीक है। बाकी रियर डोर और यहाँ पे बात करते हैं आपके भाई मेन डोर की, यहाँ पे मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर की के लिए आपकी की होल, और बाकी अब डोर ओपन करते हैं। और भाई इस तरीके का कुछ डोर आपको देखने के लिए मिलता है, फुल रगड़ वाला फील आपको देने वाला है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है हार्ड प्लास्टिक की, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वाला नॉर्मल वाला हार्ड नहीं है। यहाँ पे मिल जाते हैं आपके क्रोम कलर के डोर हैंडल्स, लॉक एंड लॉक, स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्विटर्स का ऑप्शन इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। मैगजीन होल्डर है, बॉटल होल्डर कोई भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला। सीट्स की बात करें फैब्रिक में सीट्स मिलती है, हाइट एडजस्टमेंट आता है, हाइट एडजस्टमेंट आता है कि नहीं आता है, आई थिंक हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं आता भाई, हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता, फिक्स है सीट, हाइट का कोई भी लेना देना यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। फिलहाल करते हैं इसको पहले पीछे, तो ये हो चुकी है फुल पीछे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट ज़रूर आते हैं इसमें देखने के लिए, ठीक है, दोनों चीज़ें ऐसी। अब आपकी मेन व्यू की तरफ आते हैं भाई, ये देखो ये है आपका मेन डैशबोर्ड का लुक, जो कि अंदर चलते हैं फटाफट फिर बात करते हैं। उससे पहले यह बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड फोल्ड लेवल आपके ORVMs, ठीक है, जो कि कुछ तरीके से यहाँ पे भाई काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ऑटो इंजन ऑन ऑफ, ये है आपका जो हेडलाइट वॉशर है ना उसके लिए बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, हेडलाइट लेवलिंग के लिए यहाँ पे है। अब चलते हैं अंदर, तो भाई अंदर बैठने के बाद जो फर्स्ट फील है वो तो भाई बहुत सही लग रहा है। हाइट वाइट सीट के हिसाब से तो मेरे हिसाब से ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बैठने में, ठीक है, कुछ ऐसा सीन है सारा का सारा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें भाई काफ़ी मस्त स्टीयरिंग व्हील मिलता है, ऐसा लगता है कि अच्छा स्टीयरिंग व्हील है। फिलहाल यहाँ पे लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पे मिल जाते हैं आपके सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, यहाँ पे मिल जाते हैं आपके क्रूज़ कंट्रोल्स वगैरह, ये टॉप मॉडल में मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये सारे सारे ऑप्शन भाई यहाँ पे मिल जाते हैं आपके टेलीफोन रिलेटेड कंट्रोल्स। और ये चीज़ आप देखो भाई, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि भाई पुरानी जिप्सी आती थी ना सेम वैसा ही कुछ कुछ लाने की कोशिश करी गई है, जैसे दो डाइल्स अलग अलग सेपरेट्स आते थे वैसा ही कोशिश किया गया है कि इस वाले में भी वही झलक बरकरार रहे। तो कुछ इस तरीके के आपके डाइल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं जो कि भाई पर्सनली मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। कुछ भी कहो इंटीरियर वाइज मुझे जिम्नी बहुत अच्छी लगी, एक्सटीरियर वाइज भी अच्छी लगी। डायमेंशन वगैरह कुछ छोटी मोटी हो सकती है, प्राइसिंग वगैरह जो भी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये इसकी थीम देखो, अब थोड़ी सी ना ऑरेंज ऑरेंज है, पहले वाले मेरे ख्याल से जो ग्रीन ग्रीन टाइप आता था थोड़ा सा, लेकिन इसमें ऑरेंज टाइप में है। बाकी यहाँ पे सारे सारे आपके मिल जाते हैं, 8000 RPM तक है, 180 टॉप स्पीड दे रखी है। बीच मिल जाता है MID डिस्प्ले जहाँ पे आपका फ्यूल वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, टाइम वगैरह, ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह और फोर लो फोर हाई वगैरह जो भी है ना उसके सारे सारे इंडिकेशन यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। एसी वेंट्स कुछ इस तरीके के यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके की बात हो गई। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो
टिल्ट एंड ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट आता है टेलीस्कोपिक कोई भी एडजस्टमेंट के ऑप्शन देखने के लिए। और भाई इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपका ऑटोमेटिक एसी, ठीक है। यहाँ पे बीच में जैसे बलिनो वगैरह में आता था ना पहले, वही यूनिट यहाँ पे मुझे कुछ कुछ ऐसी लग रही है। एसी ऑन ऑफ करना यहाँ से कर सकते हो, एसी के वेंट्स हैं। यहाँ पे मिल जाता भाई 9 इंच का स्मार्ट प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है भाई आपका 4 स्पीकर के साथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह, नेविगेशन वगैरह सारी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ब्लूटूथ, FM, AM, सारे सारे जो फंक्शंस होते हैं ना आपके सब मिलेगा इसमें आपको देखने के लिए। कुछ भी कमी वगैरह यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। टच रिस्पॉन्स की बात करें तो टच रिस्पॉन्स भी मेरे हिसाब से तो ठीक इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला। सेमी टच बटन जो होते हैं ना वो भी यहाँ पे दिए हुए, वॉल्यूम कम ज़्यादा वगैरह करने के लिए, ठीक है। इसको पॉज कर देते फिलहाल, हमारा बर्रा बाईपास बता रहा है, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ों के आपके यहाँ पे, और आपका फ्यूल कंजप्शन वगैरह जो है वो भी चीज़ है यहाँ पे। ड्राइविंग रेंज जो एमआईडी की डिटेल्स है वो भी यहाँ पे आपका बताता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में 1000 लैंप के बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, एसी वेंट्स हैं, मोड्स वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे मतलब एसी के मोड्स हैं, कार के मोड्स नहीं, कि कार के मोड समझो वो होता है ना, हवा कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। यहाँ से टेम्परेचर वगैरह अपना कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मिल जाता भाई आपका ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन का पावर विंडो का कंट्रोल्स, ठीक है। ये हल्के से जो ग्रीनिश टिंटेड वाले ग्लासेस होते हैं ना वही आपको चारों चारे मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके जितने विंडो ग्लासेस हैं ये सारे सारे आपको टिंटेड मिलने वाले हैं वो वाले। बाकी यहाँ पे मिल जाते हैं फ्रंट ड्राइवर साइड कंट्रोल्स, यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ मतलब ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल्स। यहाँ पे की वगैरह रखने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस है। ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, इसमें आपका 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। और ये है भाई देखो इसकी लाजवाब चीज जो कि है 2H 4H 4 Low। थार का पूरा मजा, ऑफ रोडिंग का पूरा मजा भाई, हिल्स में जाओ ऑफ रोडिंग करो, दबा के ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज जिमनी की बहुत अमेजिंग है। तो भाई ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलती है 4x4 वगैरह। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो 6 एयरबैग्स वगैरह, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड एयरबैग्स, सीट एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, सारे 6 एयरबैग्स मिलते हैं भाई। सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी चीज़ करी गई है। अभी बोनट उठा के पता चलेगा कि थोड़ा सा सेफ्टी में मतलब भारीपन है कि नहीं, तो उसकी बात करेंगे आगे। यहाँ पे हो गई सारी चीज। यहाँ पे मिल जाते हैं भाई रियर पावर विंडो कंट्रोल, ठीक है। जो रियर पावर विंडो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, लॉक ऑन ना यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे दो कुछ नहीं है शायद, फ्रंट के लिए पहले दे रहे थे लेकिन यहाँ से हटा दिया। हैंड ब्रेक मिल जाता है, एम्ब्रेस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 ग्लास होल्डर्स हैं, ये सारी चीज मिलती है। ऐसा कुछ लेआउट निकल के आता है। ये नॉन स्क्रैच यानी एंटी स्क्रैच वाला जो डैशबोर्ड वगैरह होता है ना, ये जितना पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला मतलब ये जितना पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला जितना पार्ट है ये एंटी स्क्रैच वाला है। यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगने वाले, ठीक है। यहाँ पे भाई ग्रैब करने के लिए हैंडल दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। ये हो गया आपके फ्रंट से। और ऊपर से बात करें तो ड्राइवर साइड वैनिटी में मिरर आपको देखने के लिए मिलता है, मैनुअल डे नाइट रियर व्यू मिरर है। ऊपर आपको लाइट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको मिरर देखने के लिए मिलेगा बट विदाउट लाइट, लाइट्स वगैरह कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाले, ठीक है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, फिक्स्ड ग्रैब हैंडल मिलेगा, ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग वाला मटेरियल है तो फिक्स्ड ही रहेगा। यहाँ पे वो फ्लेक्सिबल वाला प्रीमियमनेस नहीं देने वाले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई भाई फ्रंट से। अभी चलते हैं रियर सीट में, वहाँ बताते हैं कैसे क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल भाई सॉरी वो थोड़ा सा इधर हो गया। बाकी भाई देखो डोर की बात करें, कुछ इस तरीके के डोर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। मस्त यहाँ पे वही रगेड वाली फिनिश जो है ना वो प्रॉपर यहाँ पे मिलती है। और भाई ये देखो पावर विंडो के लिए यहाँ पे बड़ा यूनिक सा सिस्टम दिया हुआ है। ये देखो यहाँ से पावर विंडो आप अपनी ऊपर नीचे कर सकते हो। लॉक के लिए बटन्स दिए हुए हैं। सीट्स मैंने अपने हिसाब से तो एडजस्ट नहीं कर रखी है, फिलहाल पीछे ही कर रखी है। तो बैठ के देखते हैं भाई पीछे की हाइट यार आगे के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। पीछे वाली हाइट जो है ना मतलब सीट्स की भाई वो बहुत सही है, मतलब आगे वाले से ज़्यादा ऊंचाई में बैठोगे आप। और पीछे भाई यहाँ पे तो ये देखो बीच में हम्प जरूर मिल जाता है, तीसरे पैसेंजर जो बीच में बैठेगा ना उसके लिए थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। हमारे से वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 50-50 फोल्ड मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर लाइट्स वगैरह जरूर आपको भाई देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे मिल जाता है आपका ग्रैब हैंडल, हैंडल यहाँ पे सारे सारे वही सेम फंक्शंस वगैरह देखने के मिलते हैं। पीछे से बात करें तो जो डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस तरीके का भाई आपका देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट रिव्यू पीछे से लेके अंदर से लेके बाहर तक। अभी दिखाते भाई इंजन। तो भाई अभी बोनट की बारी, ठीक है। फिलहाल ओपन करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लीवर मिल जाता है नीचे, ठीक है, जिससे ओपन मतलब पुल करके मस्त खोल सकते हो। अभी चलते हैं भाई इंजन स्पेक्स की तरफ, ठीक है। तो भाई बोनट की हैवीनेस की बात करें तो बोनट तो हैवी तो है, ठीक है। बाकी इंजन की बात करें 1.5 लीटर का वही इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा जो ब्रेजा वगैरह में यूज़ होता है। 103 BHP, 137 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 16-17 की एवरेज वगैरह देखने के लिए मिल जाती है सारी, ठीक है। 4
सिलेंडर्स वाला इंजन आपको देखने को मिलेगा पेट्रोल में। डीजल में कोई ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल में ही ऑप्शन देखने के लिए फिलहाल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इंजन अंडरगार्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो नॉर्मल से अंडरगार्ड प्रोटेक्शन है, कुछ उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी इंसुलेशन वगैरह अच्छी खासी यूज़ करी गई है। यहाँ पे वॉचेस के लिए टैंक है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे उल्टा सिस्टम कर रखा है, बैटरी इस तरफ होती है तो उस तरफ कर दिया, वॉचर इस तरफ होता है तो उस तरफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसुलेशन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है। आई थी वैसे भी यार काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है इंजन इनके, तो कुछ इस तरीके के सारे इंजन्स वगैरह देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो इसको करते हैं क्लोज और भाई वीडियो को भी करते हैं यहाँ पर एंड। तो कैसे लगी जिमनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस मेरी इजीली मिलती रहे। बहुत ज़्यादा टफ होता है वीडियोज़ बनाना, खासकर जब कार नई नई आए ना, तो भाई वीडियो को लाइक कर जाना, कमेंट कर जाना कैसे लगी जिमनी, और बहुत जल्द मिलेगा आज अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।